इसराइल की एक काफी बड़ी ताकत अब भारत को मिल चुकी है। दरअसल इसराइल की काफी बड़ी कंपनी IAI इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने हाल ही में इंडियन सब्सिडरी एरोस्पेस सर्विस इंडिया का इनॉग्रेशन कर दिया है और ये स्टेट ऑफ द आर्ट अचीवमेंट इतनी ज्यादा बड़ी है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी पूरी वर्कफोर्स का 97% सब इंडियन नेशनल्स की ही है और बचे बस 3% यही इजरायली है। ASI दैट मींस एरोस्पेस सर्विस इंडिया का सबसे बड़ा मेन मकसद है कि कॉस्ट को हमें बहुत ज्यादा कम करनी है जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैयार कर रहे हैं और साथ में सर्विस ऑपरेशन को भी काफी बेहतर बनाना है। अब इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री पूरी तरह से इनके पास टेक्नोलॉजी है, महारत है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स की। हमारी इंडियन आर्मी से लेके एयरफोर्स नेवी सब यूज करती है इसराइल का ये सिस्टम और अब ये जो इंडियन सब्सिडरी तैयार हुई है ये अब पूरा मोर्चा संभालने वाली है चाहे बात आए मेंटेनेंस या फिर किसी भी तरह की दिक्कत की। इनफैक्ट अब यही इसराइली कंपनी भारत के IIT दिल्ली के साथ भी कोलैबोरेट करने जा रही है ताकि हमारे IIT दिल्ली को वर्ल्ड के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में शामिल किया जा सके इस तरह के एडवांस डिफेंस प्रोग्राम के तहत। अब ये तो हो गई एक खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी में तो DRDO एक ऐसा इंजन तैयार कर रहा है 130 किलो न्यूटन का जो कि अमेरिका के GE इंजन से भी कई ज्यादा पावरफुल है। कहां 90 किलो न्यूटन और कहां अब ये 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला। ये हाल ही में तस्वीरें वायरल हो गई हैं जहां पर DRDO के ये पूरे इंजन टेस्टिंग साइट को रिवील किया गया है। पूरा कंप्लीशन इस प्रोजेक्ट का अक्टूबर 2025 तक होगा जब भारत के काफी ज्यादा एडवांस हम जो फ्रांस के साथ मैन्युफैक्चर करेंगे ऐसे तगड़े इंजन की टेस्टिंग यहाँ की जाएगी और इन्हीं इंजन को यूज करके हमारे फाइटर जेट्स M का 5th जनरेशन 5.5 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किए जाएंगे। इस कटिंग एज प्रोपल्शन सिस्टम को तैयार करने के लिए DRDO की पूरी टीम लगाई गई है। सो वाकई में भारत के लिए ये दो बड़ी खुशखबरी डिफेंस सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन ला सकती है। इस बात के लिए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और साथ में आप कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।